ग्वालियर में कांग्रेस नेता ने एक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर अकूत संपत्ति जुटाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शासकीय स्कूल के टीचर रहते हुए प्रशांत सिंह परमार ने करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा डीएड और बीएड कॉलेज खोल रखे हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि एक स्कूल टीचर ने ग्वालियर चंबल संभाग के अलावा दूर दराज के झारखंड और बिहार राज्य में भी अपने शिक्षण संस्थान खोल रखे हैं। इसकी शिकायत प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर तक की गई, लेकिन अभी तक शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षक प्रशांत परमार पर कॉलेज की मान्यता हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए जाने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत पिछले 6 महीने से लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने शिक्षक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शिक्षक की जांच के लिए टीम बना दी गई है। ये बाबू महाराजपुर में प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षक हैं और इन्होंने गवर्नमेंट के जो नियम होते हैं, जो कॉलेज की मान्यता देने वाली एजेंसियाँ होती हैं, जैसे आपके NCT या INC या और भी जो गवर्नमेंट की बॉडी हैं जो मान्यता देने वाली, उनके नॉर्म्स होते हैं कि सबसे पहला नॉर्म्स ये तो होता है कि बिल्डिंग से पहले लैंड, लैंड के साथ में बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, उसके बाद में एक FDR सिक्योरिटी के रूप में, सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में एक FDR ली जाती है संबंधित ओनर से। तो इन्होंने, इनके पास में ना तो कॉलेजों की बिल्डिंग है, ना ही अधिकांश कॉलेजों पर इन पर लैंड है, और टोटल इनके दस्तावेज इन्होंने डायवर्जन, खसरा, नदियों की NOC सब इन्होंने अपने ऑफिस में फर्जी तरीके से बना के कूट रचना करके इन्होंने कॉलेजों की मान्यता ली, फर्जी FDR लगाई, जो फर्जी FDR लगा के इन्होंने कॉलेजों की मान्यता ली, जिसकी इनकी जांच STF में भी चल रही है। वहाँ जांच में पाया गया है कि इनकी FDR फर्जी हैं, इनके नदियों की NOC फर्जी है, डायवर्जन फर्जी है, और अधिकांश कॉलेज इनके, अधिकांश क्या है, इनके टोटली कॉलेज इनके सब फर्जी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के, प्रदेश के छात्रों का ये इतना भविष्य अंधकार में कर दिया है इन्होंने कि वो छात्र जो एडमिशन की प्रक्रिया होती है उसमें भी ये फर्जी दस्तावेज लगाते हैं, उनके जैसे मूल निवासी हैं, उनके बैंक ड्राफ्ट हैं, ये सारे फर्जी लगाने के बाद में ये उनको एडमिशन देते हैं। और प्राइमरी स्कूल होने के शिक्षक के साथ में इन्होंने करोड़ों अरबों रुपये की इन्होंने संपत्ति कूद इकट्ठी की हुई है। इसके संबंध में फरवरी में शिकायत मिली थी और उसके लिए एक टीम बनाकर और मुझे शिकायत हुई, क्योंकि अभी COVID-19 की वजह से लॉकडाउन रहा है तो शिकायत अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे ही शिकायत पूर्ण होकर जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है तदनुसार फिर आगे की कार्रवाई इसमें सुनिश्चित। तो इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें कार्रवाई के लिए DED और BED कॉलेज यदि वो संचालित कर रहे हैं तो उसमें उस संबंध में जाँच जो है अपने डायरेक्ट प्रिंसिपल और शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा ही की जा सकेगी, और उसे उसके सर्विस से संबंधित कोई शिकायतें हैं तो उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उस पर हम सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंगली उस पर कार्रवाई करें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।